तो भाई लोगों यार, ये जीजी मेकिंग का पार्ट टू वीडियो होने वाला है। तो तुम लोगों ने अगर अभी तक यार पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो जाओ फटाफट से चैनल पे चेकआउट कर लो, क्योंकि अगर तुम लोग यार पार्ट वन नहीं देखोगे तो तुम लोग को पार्ट टू समझ नहीं आएगा। तो जाओ एंड फटाफट से पार्ट वन देख कर आओ। डॉट जी जो डॉट दो डॉट मिलेंगे, देखो एक ही डॉट ये है और एक डॉट ये है, तो इन दोनों डॉट को ऐसे हटाना है एंड इसकी जगह स्लैश लगा देना है। एंड देन ये वाला भी डॉट हटाना है एंड फिर से स्लैश स्लैश लगा देने के बाद तुम लोग को यहाँ पे इसे सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद बहुत सारा रिजल्ट आ जाएगा। अब तुम लोग यार एक एक करके एडिट करोगे तो 2, 4, 10 करोड़ साल लग जाएंगे। तो इसको एक साथ एक बार में ही एडिट करने के लिए तुम लोग को देखो यहाँ पे एक बटन मिलेगा इनपुट कीवर्ड टू सर्च। तो देखो ऐसा इंटरफेस आएगा ना, तो यहाँ पे देखो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो तुम लोग को यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी क्या करना है। हाँ तो देखो इसमें तुम लोग को अपना पैकेज नेम डालना होगा। तो अपना एक बार तो हमने मतलब अपना पैकेज नेम चेंज कर लिया है, लेकिन फुल एडिट वाला पैकेज नेम कैसे डाला जाएगा, तो एक बार तुम लोग को अपना पैकेज नेम डालना होगा जो कि अभी तुम लोगों ने पहले चेंज किया था। तो तुम लोग को यहाँ पर डालना होगा, हमारा क्या था, com.insure.gamers GAMERS। तो ये डाला था ना, तो तुम लोग को इसमें भी अपने नाम के आगे यहाँ पे देखो अपने पैकेज नेम के आगे यहाँ पे कैपिटल एल लगाना है। एंड ये जो डॉट दो डॉट मिलेंगे ना, अरे ये क्या दिख रहा है यार। हाँ देखो ये जो दो डॉट मिलेंगे तो एक डॉट के आगे फिर से स्लैश लगा देना है। तो मैं इसको हटा के स्लैश एंड इसमें भी इसको हटा के एंड स्लैश लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको कर देने के बाद तुम लोग को यहाँ पे देखो एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा दी। अरे यार ये मतलब साथ ही नहीं देता यार। हाँ देखो ये वाला, ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इसे ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखो हमारा चेंज्ड फाइल्स 29, तो एक बार में ही हमारा सारा फाइल्स चेंज हो चुका है। तो देखो हमने क्या क्या चेंज किया अभी, नेम पैकेज नेम का फुल पैकेज नेम चेंज किया है एंड लोगो, तो ये चीज़ मतलब हमने चेंज कर दिया है। अब हम लोग मेन काम अपना करते हैं, बोले तो अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, मतलब जो हमारा एक एक्स्ट्रा लोगो दिख रहा था, एक्स्ट्रा लोगो को हम लोग रिमूव करते हैं। तो एक्स्ट्रा लोगो को रिमूव करने के लिए तुम लोग को एंड्रॉयड मेन फिस्ट डॉट एक्स एम एल के अंदर आना होगा। देन इसके अंदर आने के बाद तुम लोग को एक फ़ाइल को सर्च करना होगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे है मेरी वाली फ़ाइल, तो क्योंकि यार मतलब इतना ज़्यादा फाइल है तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो भाई लोग यार, तुम लोग को जो एक्स्ट्रा लोगो है उसे हटाने के लिए तुम लोग को ये लाइन नंबर 48 पे आना होगा। देखो लाइन नंबर 48 मिल रहा है ना, तो लाइन नंबर 48 से ले करके, देखो लाइन नंबर 48 से ले करके तुम लोग को लाइन नंबर 51 देख लो एक बार। मैं वीडियो को थोड़ा ऐसा रोक के रख देता हूँ कि देखो यहाँ से लेकर के 48 से लेकर के 51 तक, यहाँ तक तुम लोग को इसे हटा देना है, बोले तो लात मार देना है। हटा देने के बाद तुम लोग को ऐसा कर देना है, देन इसके बाद तुम लोग को बैक आ जाना है, मतलब सेव करके बैक आ जाना है। तो हमने अभी अपना फुल एडिट कर लिया है। तो अब इसके बाद तुम लोग को यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो बिल्ड वाला बटन मिलेगा, मतलब ये जो हथौड़े का मिलेगा ना हथौड़ा, तो हथौड़े पे ऐसे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं सेविंग, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा सेविंग होने लगे हैं। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हाँ तो भाई लोग यार यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मतलब APK था वो सक्सेसफुली यहाँ पे एडिट हो चुका है। देन अभी तुम लोग को बैक आना है, बैक आने के बाद ये जो पुराना वाला है ना इसे डिलीट मार देना है, बोले तो लात मार देना है। तो यहाँ पे देखो हमने पुराने वाले को डिलीट कर दिया है एंड अभी हम लोग चलते हैं अपने एम्प्टी मैनेजर में। एंड यहाँ पे देखो APK एडिटर से एक फोल्डर बन के आ जाएगा, देन इसके अंदर आना है, टेम्प के अंदर आना है एंड कहाँ गया यार, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ APK अल्ट्रा, देखो यार मैं दूसरे फोल्डर में चला गया था, हाँ देखो APK अल्ट्रा मिलेगा। देन इसके अंदर आना होगा, तो यहाँ पे देखो जेन साइंड APK, तो अभी देखो इसका लोगो नहीं चेंज हुआ है। तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये किस लिए नहीं चेंज हुआ है, अभी मुझे पता है ये किस लिए नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग थोड़ा से देखते हैं। हाँ तो भाई लोगों देखो इसका लोगो इसलिए नहीं चेंज हुआ है कि हम लोगों ने सिर्फ एक बार अपना लोगो ऐप के अंदर डाला था ना, तो उसलिए नहीं हुआ। तो अभी देखो मैं इसको जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे देखो फुल्ली इंस्टॉल हो जाएगा एंड इसका नाम भी थोड़ा एरर बता रहा है, मतलब नाम पिछला वाला ही बता रहा है, लेकिन हमारा देखो सिर्फ एक जो हमने एडिट किया था वो 50% हो चुका है। तो यहाँ पर देखो हमने एक लोगो मतलब एक्टिवेट किया था, तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक लोगो दिख रहा है और कहीं भी देखो दूसरा लोगो नहीं दिख रहा है, मतलब हमने एक लोगो को रिमूव कर दिया है। एंड इसका तुम लोग नाम ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर लिखा है इंस्योर एंड गेमर्स जो भी आगे है आधा ढक गया है। तो देखो हमने नाम भी एडिट कर लिए हैं एंड मतलब हमने एक लोगो को रिमूव भी कर दिया है। एंड अभी हम लोग इसका ये जो लोगो दिख रहा है, ये वाला मतलब ये जो लोगो दिख रहा है इसे एडिट करेंगे और हमारा जो OOR नाम दिख रहा था उसको भी एडिट करेंगे। हाँ तो भाई लोग यार, तुम लोग को अपना लोगो एंड जो हमारा नेम पुराना वाला दिख रहा था ना, तो उसे एडिट करने के लिए तुम लोग को फिर से आना है APK एडिटर में। APK एडिटर में आने के बाद सिलेक्ट APK फ्रॉम ऐप में आना है। देन यहाँ पे तुम लोग को अपना ये जो गेम गार्जियन दिखेगा ना, तो देखो यहाँ पे ये जो गेम गार्जियन दिखेगा एंड देखो हमने पैकेज नेम चेंज किया था, तो ये सक्सेसफुली हमारा चेंज हो चुका है। तो देखो यहाँ पे पैकेज जो भी हमारा गेम गार्जियन है तो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखो पहले हम लोग लोगो चेंज करेंगे एंड देन हम लोग नेम चेंज करेंगे। तो लोगो चेंज करने के लिए तुम लोग को यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, सिलेक्ट
सिंपल एडिटर, तो इस पे चले आना है। इस पे आने के बाद तुम लोग को यहाँ पे सबसे ऊपर इमेजेस का बटन मिलेगा, इमेजेस पे चले आना है। देन इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे देखो एक हमारा देखो पुराना वाला ही लोगो अभी तक दिखा रहा है, तो इसके ऊपर मतलब है इसको यहाँ पे देखो पुराना वाला ही दिख रहा है। देन इसके बगल में देखो एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड कुछ ऐसा मतलब फाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा। देन तुम लोग को अपने फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पर भी तुम लोग मतलब अपना लोगो रखे होगे, एंड देन तुम लोग को अपना लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो देखो हमारा मतलब लोगो जो जो था मतलब वो रिप्लेस हो चुका है। हाँ तो देखो यार, इस वाली इमेज को मतलब रिप्लेस कर देने के बाद तुम लोग को इसमें ही मतलब इसी जगह पे फिर से ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना है। मतलब तुम लोग को जहाँ पे भी गेम गार्जियन का लोगो दिखे पुराना वाला, उसे रिप्लेस करना होगा। तो हमने एक बार रिप्लेस कर लिया है एंड अभी हम लोग फिर से हाँ तो देखो यहाँ पे तुम लोग यार इसे रिप्लेस मत कर देना, मतलब नहीं नहीं इसे भी करना है। हाँ बोलो तो यार, अच्छा वो मैं देख लिया। देखो यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है ना, तो इसे भी ऐसे इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपना लोगो डाल देना है। तो अभी देखो मैंने अपना लोगो फिर से इसमें भी डाल दिया है एंड अभी मैं फिर से सर्च करता हूँ कहाँ पे है, कहाँ पे लोगो कहाँ पे है। तो इस तरीके से यार तुम लोग ध्यान से देखना, जहाँ पे भी लोगो दिखे उसे रिप्लेस कर देना। हाँ देखो यहाँ पे इतना सारा लोगो दिख रहा है यार, क्या ही बोले। तो इन सबको भी एक एक करके ऐसे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड अपना लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो एक हो गया एडिट, दूसरा को भी एडिट कर देना है, हो गया ये भी एंड इसे भी एंड मैं फटाफट से सब कुछ कर लेता हूँ। तो यार तुम लोग मतलब क्या ही बोले। हाँ तो देखो यार लास्ट के दो बचे हुए हैं, तो इसे भी कर देते हैं एडिट। तो यहाँ पे देखो हमने सब जितने भी पुराने वाले मतलब जितने भी लोगो थे उन सब से अपना वाला लोगो मतलब रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से यार तुम लोग अपना मतलब ध्यान से देख कर करके सारा मतलब रिप्लेस कर देना। तो देखो इसको रिप्लेस कर देने के बाद तुम लोग को यहाँ पे सबसे नीचे सेव का बटन मिलेगा, सेव पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देखो ये वर्किंग हो रहा है, मतलब सेव हो रहा है। हाँ तो देखो ये यहाँ पे मतलब हमारा लोगो वगैरह चेंज होकर यहाँ पे फिर से सेव हो चुका है। एंड तुम लोग को इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से पुराना वाला जो था उसे डिलीट कर देता हूँ। पुराना वाला डिलीट कर देने के बाद यहाँ पे देखो अनइंस्टॉल्ड हो चुका है एंड अभी मैं नया वाला इंस्टॉल कर देता हूँ। तो देखो हमारा लोगो यहाँ पे सक्सेसफुली मतलब चेंज हो चुका है एंड अभी मैं इसे OR ये जो नेम दिख रहा है नेम को चेंज करता हूँ। तो देखो हमारा इंस्टॉल हो चुका है एंड तुम लोग को फिर से आना है APK एडिटर में एंड सिलेक्ट APK फ्रॉम ऐप। एंड इस बार तुम लोग को अपना वाला गेम गार्जियन देखो हमारा दिख रहा है ना जो हमने अभी इंस्टॉल किया, तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। तो देखो ऐसे क्लिक करना है एंड फुल एडिट, ये देखो सिंपल फुल एडिटर, तो इस पर क्लिक करना है एंड ऑल फाइल्स पे चले जाना है। देन इसके बाद फाइल्स पे आना है एंड यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा तो मैं इसे लोड हो जाने देना है। एंड यहाँ पे देखो सर्च करना है तुम लोग को, सर्च क्या करना है यहाँ पे देखो हमारा नाम क्या दिखा रहा है OR, तो जैसा है वैसे ही तुम लोग को सर्च करना है, तो ओ बड़ा रहेगा एंड OR, तो यहाँ पर मैं इसे सर्च कर देता हूँ। तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है, देन इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कुछ 30 नंबर लाइन पे OR लिखा है, तो इसके ऊपर चले जाना है एंड यहाँ पे 30 नंबर लाइन पे कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखो 30 नंबर लाइन पे देखो यहाँ पे नेम क्या दिख रहा है OR, तो तुम लोग को इसको ऐसे सिलेक्ट करना है एंड अपना नाम दे देना है, तो INSURE इंश्योर एंड गेमर्स, तो मैंने अपना नाम दे दिया है एंड यहाँ से इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद बैक बैक आ जाने के बाद फिर से बैक आना है एंड इस बार तुम लोग को फिर से अभी क्लिक करना है सबसे ऊपर ये जो हथौड़ा का बटन मिलेगा इसके ऊपर। देन यहाँ पे देखो फिर से एक मर्जिंग हो जाएगा, मतलब कंप्रेस हो रहा है जो भी ये कंपोज वगैरह, तो यहाँ पे इसे हो जाने देते हैं। हाँ तो देखो यार यहाँ पे इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। देन इसे यहाँ पे हम लोग डिलीट करते हैं एंड डिलीट कर देने के बाद मतलब पुराना वाला अनइंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देखो डिलीट हो चुका है पुराना वाला एंड यहाँ पे नया वाला हम लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कर देने के बाद मैं फिर से इसे इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फटाफट से इंस्टॉल होने वाला है। तो देखो यार थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमने लोगो वगैरह सब कुछ चेंज किए ना। तो यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एंड अभी हम लोग अब इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारा फुल्ली मतलब एडिटेड हो चुका है। तो इस तरीके से यार तुम लोग देखो यहाँ पे अपना लोगो का मतलब चेंज कर सकते हो लोगो वगैरह। तो अभी देखो हम लोगों ने जो इंस्टॉल करके मतलब बिल्ड किया उसमें भी देखो यहाँ पे एक ही लोगो दिख रहा है। मैंने जैसा कि तुम लोग को वीडियो में बताया कि मैं तुम लोग को एक लोगो बनाना सिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही लोगो दिख रहा है। तो और हमारा सेकेंड लोगो यहाँ पे गायब हो चुका है। तो देखो यार इस तरीके से तुम लोग फुल मॉडिंग कर सकते हो एंड अगर तुम लोग कमेंट करोगे ना तो मैं तुम लोग को ये वाला एडिट करना सिखाऊंगा। मतलब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, देखो यार कहाँ चला गया है। हाँ देखो ये जो दिख क्या रहा है ना, मतलब इसका देखो बैकग्राउंड यहाँ पे ये जो अलर्ट बॉक्स आ रहा है मतलब ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है इसमें देखो इसका बैकग्राउंड देखो ब्लैक है। तो इसको भी मैं तुम लोग को एडिट करना सिखाऊंगा कि कैसे मतलब इसका बैकग्राउंड अपना रंगीन कर सके, मतलब बोले तो मतलब यार मतलब खुद का मतलब डिजाइन कैसे करें। जैसा कि देखो ये ब्लैक दिख रहा है ना, तो इसको खुद का डिजाइन कैसे करें। एंड यहाँ पे देखो इस जगह पे ये जो इतना सारा ऑप्शन दिखा रहा है ना, तो इन सबको हटा के सिर्फ मेन मेन जो हम लोग का ऑप्शन रहता है इसे कैसे ऐड करें। एंड यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे देखो ये वाली जो होम स्क्रीन इसकी दिखती है, तो इसको हटा के सिर्फ दो बटन कैसे लगाएं, मतलब एक स्टार्ट का एक एग्जिट का, ये सारा बटन कैसे लगाएं। तो तुम लोग यार अगर कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो चलो यार मतलब
एडिट करो अपना बढ़िया से एंड कमेंट करो, अगली वीडियो का इंतजार करो तब तक के लिए। एंड चलो मतलब बढ़िया है सब कुछ, वीडियो का मतलब जितना भी मैंने यूज़ किया है सब कुछ, डाउनलोड लिंक तुम लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ एंड फटाफट से डाउनलोड कर लो एंड कमेंट जरूर करके बताना यार। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एंड तुम्हारा कोई भी अखंड प्राणी दोस्त हो तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि यार वो भी ये सारा जुगाड़ सीख जाए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एंड आज की वीडियो के अंदर बस नई वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।